हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से अपने कैरियर अड्डा 1 to 1 पे कॉपी पेन लेके फिर से तैयार हो जाए और डेली की तरह आज फिर से हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, जैसा कि हम डेली प्रैक्टिस सेट, क्योंकि बहुत आपका एग्ज़ाम कब है आपको सबको पता है, इस जनवरी में एग्ज़ाम है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके लिए, पुलिस के लिए भी हेल्पफुल होगा और एसएससी जीडी के लिए भी हेल्पफुल होगा और इसके साथ अदर भी कुछ एग्जामों के लिए बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो हम जैसा कि डेली हम प्रैक्टिस सेट करते हैं, वैसा ही आज नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। अभी तक कितने प्रैक्टिस सेट हो गए? 6 प्रैक्टिस सेट हो गए। अब उसके बाद में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट कौन सा है? 7वां प्रैक्टिस सेट है। तो 7वें प्रैक्टिस सेट का हम आज जो है वो पेपर को हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि पेपर में क्वेश्चन कितने आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, तो अपने प्रैक्टिस सेट में भी कितने होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे। उसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा टफ नहीं होंगे, ज़्यादा सिंपल नहीं होंगे, और देखेंगे कैसे हम इजीली आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो भी मेरा दोस्त, मेरा भाई, जो भी नया इस चैनल पे जुड़ा है, वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकॉन को भी ना दबाना भूले, जिससे क्या होगा, जब बेल आइकॉन दबा देगा, जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तो वो उसके YouTube पर नोटिफिकेशन जरूर आएगा। इसलिए बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। तो चलते हैं इसी के साथ में पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना रुपए है? 800 रुपए। कितने वर्ष में 882 रुपए हो जाएगा? कितना बेटा है? 800 रुपए। कितना है? 800 रुपए। ये 800 रुपए कितना हो जाता है? 800 रुपए। और किस पर, कितने परसेंट के ब्याज पे? 5% के ब्याज पर। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है बेटा? 1/20 है। कितनी है? 1/20 है। तो यहाँ पे 800 से कितना हो जा रहा है? 800 कितना हो जा रहा है? 82 हो जा रहा है। 800 से 882 हो जा रहा है। अगर इसको एक बार हम काट लेते हैं, अगर इसको काटते हैं तो ये बेटा कितना हो जा रहा है? 400। और 400 से कितना हो रहा है? 441। कितना हो रहा? 400 से 441। यहां से अगर देखेंगे, अगर इस यहां से देख रहे हैं तो 20 से कितना बढ़ जा रहा है? 1 बढ़ जा रहा है। 20 से 1 बढ़ जा रहा है। और ये 20 का अगर 20 में अगर दो बार अगर देखते हैं, इसमें क्या करना बेटा, पहले एक बार ट्राई करेंगे तो एक बार तो क्या 20 से कितना हो रहा है? 21 हो रहा है। फिर अगर दो साल का देखेंगे तो फिर से क्या होगा? 20 से 21 होगा। जैसे यहां पे हम देखते हैं 20 से कितना हो रहा है? 21 हो रहा है। फिर से हम देख रहे हैं 20 से कितना हो रहा है? 21 हो रहा है। 20 से 21 हो रहा है। तो यहां पे हम अगर देखेंगे तो 400 से कितना हो रहा है? 441 हो रहा है। 400 से 441 हो रहा है। ये कितनी बार ये प्रक्रिया करनी पड़ी? 20 से 21 कितनी बार करनी पड़ी बेटा? दो बार करनी पड़ी। तो इसका आंसर भी क्या होगा? 2 साल। तो यहाँ पे कितना है ये बेटा? 400 से 441 कब हो रहा है? जब दो बार 20 से 21 दो बार जब ये प्रक्रिया करनी पड़ी तो कितनी बार में, मतलब एक साल में क्या हुआ होगा? पहली साल में जो आपका ब्याज लगा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज लगा होगा, तो वो 20 से 21 हुआ होगा। कितना हुआ होगा बेटा? 20 से 21 हुआ होगा। फिर अगली साल फिर से लगा होगा तो क्या होगा? फिर 20 से 21 हो गया होगा। इधर वाले का आपस में मल्टीप्लाई किया और इधर वाले का आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो रहा है? 400 से कितना हो रहा है? 441 हो रहा है। और सेम यहाँ पे भी कितना है? 400 से 441। ये 400 से 441 बनाने में कितना टाइम लगा? 2 साल लगा। तो आसानी से हम कह सकते हैं इसका आंसर बेटा क्या होगा? आंसर इसका होगा 2 साल। मतलब ये 2 साल में क्या हो जाएगा? 800 से 882। तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा? 2 साल। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है?
कह रहा है दो दो बराबर राज क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। क्या किया गया? साधारण ब्याज के ब्याज से जो दो राशियां हैं, दो बराबर राशियां हैं, एक 7% और दूसरी क्या है 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई हैं। दो दो ऋणों पर अर्जित ब्याज चार वर्ष में 960 रुपये जुड़ते हैं, मतलब 960 रुपये ब्याज मिलता है। तो ब्याज बराबर बेटा क्या होता है यहाँ पे, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, क्या होता है जब सिंपल इंटरेस्ट होता है तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है, क्या होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू इंटू टाइम, मतलब प्रिंसिपल क्या होता है मूलधन, दर इंटू समय बटे कितना होता है 100 होता है, पीआरटी मतलब प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम। तो एस सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बटे 100 होता है। अब ये दो दो अलग अलग राशियां हैं, राशियां क्या है सेम राशि है, मतलब सेम जो प्रिंसिपल क्या है सेम है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल को हम क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं एक्स प्रिंसिपल है, एस आई बराबर यहाँ पे एस आई बराबर क्या है एक्स प्रिंसिपल मान लिया, और एक्स प्रिंसिपल कितने रेट पे 7% के रेट पे, और कितने साल में चार साल में, कितनी साल में चार साल में, प्लस कितना 5% और क्या है वैल्यू क्या है प्रिंसिपल कितना है एक्स ही, दोनों क्या है समान राशियां हैं, तो दोनों समान राशियां हैं तो एक्स यहां पे मान लेंगे, एक्स इंटू कितना हो जाएगा, अब परसेंट कितना रेट कितना 5 है और ये टाइम कितना है 4, और 100 पूरे में क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे वो राशि कितनी हो जा रही है सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है यहाँ पे बेटा, ये हो जा रहा है कितना हो जा रहा 960 रुपये, कितना हो जा रहा 960 रुपये। तो यहां से क्या हो जाएगा 7 चौक 28, तो यहाँ पे कह सकते हैं 960 जो इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, और 20 कितना होता है 28 और कितना 20 40 और 8 48 कितना हो गया 48 एक्स और बटे कितना हो जाएगा 100, 48 दूनी कितना होता है 96 होता है, 48 दूनी 96 होता है, तो यहां से एक्स बराबर क्या आ जाएगा बेटा 100 की इधर 100 की इधर अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2000। तो वो वैल्यू कितनी होगी बेटा एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2000 उधार दी गई, कुल राशि बताइए, तो कुल राशि बताइए कितनी राशि होगी, वो होगी बेटा 2000 कितनी 2000 राशि होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड लेती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करना है, किसकी लंबाई ज्ञात करना है, पुल की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, क्या होता है दूरी बटे समय। तो यहां से बेटा दूरी बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बराबर क्या आ जाएगा चाल इंटू समय, क्या आ जाएगा चाल इंटू समय। तो दूरी किसकी दी है, एक तो आपको दे दी है ट्रेन की दूरी दे दी है, क्योंकि बेटा क्या है ये, अगर मान लो यहां से ये आपकी ट्रेन है और ये यहां से आपका पुल शुरू हो जाता है, ये आपका पुल शुरू हो जाता है, तो बेटा जब यहां से देखो ट्रेन इस पॉइंट से जब ट्रेन इंटर करेगी और जब ट्रेन का ये वाला लास्ट वाला जो पार्ट है जब यहां पे पहुंच जाएगा तो वो ही दूरी क्या, ट्रेन कितनी दूरी चलेगी जब यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये जो इंजन है इंजन क्या शुरुआत जैसे पुल पे शुरुआत करेगा वहां से इंजन की लंबाई शुरू हो जाती है और लास्ट तक शुरू हो जाती है, पुल भी यहां से लेके लास्ट तक, तो ये पूरी क्या होगी दूरी क्या होगी पुल की और इंजन की दूरी क्या होगी जुड़ जाएगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा दूरी कितनी हो जाएगी, एक तो 200 मीटर है, कितनी है
किसकी ट्रेन की लंबाई कितनी है 200 मीटर और पुल की लंबाई कितनी है एक्स मीटर, मान लो कितनी, मान लो एक्स मीटर, तो ये बराबर कितना है चाल इंटू समय, चाल कितनी है, चाल बेटा है आपकी 36 किलोमीटर, कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, और इंटू कितना आ जाएगा 55 सेकेंड, कितना 55 सेकेंड। अब यहां पे क्या करना है, ये आपका 36 जो किलोमीटर है उसको किस में हमें कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना है तो यहां पे क्या, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में, तो छोटे नंबर मतलब 5/18 किससे गुणा करना है, 5/18 से, 5/18 से, क्योंकि यहां पे बड़े यूनिट से छोटी यूनिट में, क्योंकि यहां पे क्या है किलोमीटर, एक किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर होता है और आवर में कितना होता है 3600 सेकेंड होता है, तो इसको अगर काटते हैं, जब काटने के बाद में क्या बन जाता है 5/18 बन जाता है, कितना बन जाता है 5/18 बन जाता है, इसलिए इसको 5/18 से हम गुणा करते हैं। और अगर सेकेंड में, सेकेंड से वो मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये बेटा यहां कितना आ जाएगा, ये रहा आपका कितना 200 प्लस एक्स, और यहां पे बराबर कितना आ जाएगा 36 गुणे 5/18 और इनटू कितना आ जाएगा 55, तो 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, तो यहां पे कितना आ जाएगा 200 प्लस एक्स, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 550, तो 200 उस साइड में जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 350 मीटर, कितना आ जाएगा 350 मीटर। तो उस पुल की लंबाई कितनी होगी बेटा, उस पुल की लंबाई होगी 350 मीटर, कितनी होगी बेटा 350 मीटर, तो आंसर कौन सा रहेगा, थर्ड आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति निम्नलिखित में से किसके बराबर होगी, इसमें क्या है, ये भी मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय वाला, मतलब यहां पे क्या है वो तो सब कुछ नहीं करना है, इसमें क्या है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहां पे क्या है, यहां पे क्या है बेटा, यहां आपको ये भी मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड, तो यहां पे क्या करना है, सिर्फ हमें कितना चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो यहां पे बेटा कितना है 30.6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर पर आवर है, पर आवर है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो 30.6 और किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट करते हैं बड़ी इकाई से छोटी इकाई में, जैसा कि मैं पहले वीडियो में भी मैं बोल चुका हूं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, किससे 5/18 से, तो 18 से अगर काटेंगे तो यहां पे 18 एकन 18 बचा कितना, यहां पे हम 18 एकन 18 और बचा 12 126 18 पंचे 90 18 छक्के 118 सत्ते कितना 18 सत्ते 100 कितना होता है 126 होता है 18 सत्ते 126 और 17 पना 85 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8.5 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा कौन सा आंसर आएगा, आंसर रहेगा फर्स्ट वाला आंसर, कौन सा आंसर, फर्स्ट आंसर रहेगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपकी स्क्रीन पे, ये कह रहा है रमन के वेतन में इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई है, यदि उसका वर्तमान वेतन, इसका वर्तमान वेतन 1806 रुपए है तो पिछले वर्ष का वेतन कितना होगा, पिछले वर्ष का वेतन कितना होगा, मतलब यहाँ पे 5% मतलब 100 से कितना वैल्यू हो रही है 5% बढ़ रहा है, कितना 100 से कितना बढ़ रहा है बेटा 105 बढ़ रहा है,
कितना बढ़ रहा है, 105 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 105 की ही वैल्यू उसने दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1806 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1806 दे रखी है। तो यहाँ पे काटेंगे तो किससे कट रहा है, आप यहाँ पे काट सकते हैं किसकी वैल्यू दे रही है, 105 की वैल्यू कितनी है, 1806। तो यहाँ पे अगर हम काट लें 3 * 9 और 3 * 15, 3 * 15 और तो यहाँ पे 3 * 18 और 3 * 6, 3 * 6। अब ये किससे कट रहा, 7 * 35 और 7 * 8 = 56, कितना, 7 * 8 = 56 बचा, 7 * 6 = 42, 7 * 6 = 42। मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू आ रही है, 5 यूनिट की वैल्यू आ रही है, 86 आ रही। तो यहाँ पे किसकी हमें 100 यूनिट की हमें चाहिए, किसकी, 100 यूनिट की। पहले उसका वेतन पहले कितना रहा होगा, 100% रहा होगा, 100% से 5% बढ़ा तो 105 हो गया। 105 की वैल्यू कितनी, 1806 दी है, तो 1806 दी है। तो यहाँ पे काटा तो काटने के बाद में 5% की वैल्यू कितनी आ गई, 86। तो अगर यहाँ से हम अगर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 * 500। अगर इधर 20 से गुणा करेंगे तो इधर भी हम क्या करेंगे, 20 से गुणा करेंगे तो 100 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 8 * 2 = 6 * 12 और 2 * 8 = 16 = 17, 1720 रुपये, कितना आ जाएगा, 1720 रुपये, कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा, 1720 रुपये। पिछले वर्ष की पिछले वर्ष उसका वेतन कितना होगा, 1720 रुपये वेतन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक विक्रेता कितना, 225 रुपए की कलाई घड़ी खरीदता है, कितने की बेटा खरीदता है, 225 रुपए की कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत पर हो सकता है कुछ खराब होगा या बैटरी ही डलवानी होगी, मान लो 15 रुपए की बैटरी बढ़ती है तो खर्चा कितना, उसकी जेब से कितना खर्चा हो रहा है, उसकी जेब से बेटा खर्चा हो रहा है कितना, 225 रुपए कलाई घड़ी खरीदता है उसके बाद 15 रुपए और खर्च कर देता है तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 225 + 15 कितना होता है बेटा, 240 रुपए खर्च कर दिया, कितना कर दिया, 240 रुपए खर्च कर दिया और 240 रुपए खर्च करने के बाद में वो बेच देता है, 300 रुपए की बेच देता, कितने की बेच देता, 300 रुपए की बेच देता, तो उसे फायदा कितना हुआ बेटा, यहां से फायदा 240 से अगर 300 में बेच देता, 240 रुपए खर्च करता है और 300 रुपए में बेच देता है तो कितने रुपए का फायदा होगा, 60 रुपए का फायदा होगा, कितने रुपए का फायदा होगा, 60 रुपए। और जिस वैल्यू पे वो खरीदता है उसको क्या कहते हैं, नीचे लिखते हैं और 60 को क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो 60 बटे कितना हो गया, 240 * 100 * 100, 0 से 0 कटा और 6 से 6 * 24 और 4 से काटा, ये कितने बार जाएगा, 25 बार, तो कितना आ जाएगा, बराबर कितना आ गया, 25%। तो उसे प्रॉफिट कितना होगा बेटा, 25% का प्रॉफिट होगा। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, थर्ड वाला ऑप्शन रहेगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन पे, देखो पढ़ो और करो कैसे करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि अगर मेरे साथ अगर आप जुड़े रहोगे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आप क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन, अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि 10 से 12 मिनट में आसानी से कर सकते हो, इतने ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। हर क्वेश्चन में बामुश्किल से 30 सेकेंड 20 सेकेंड को हो सकता 10 सेकेंड में ही सोल्व हो जाए। तो इसलिए आप अपने चैनल कैरियर अड्डा 1 to 1 पे जुड़े रहिए, डेली का सेशन अगर देखेंगे ना कुछ नया ऐसा मिलेगा, अगर आप पूरा सेशन देखते हैं ना तो कुछ ऐसा नया मिलेगा ना कि जो और कहीं नहीं पढ़ने को मिलता है। तो आसानी से हम यहाँ पे
कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम देखेंगे। देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 9 पूर्णांकों का औसत कितना है, 9 पूर्णांकों का औसत कितना है बेटा, 9 जो पूर्णांक हैं उनका औसत रहा है, 9 पूर्णांकों का औसत कितना है, 11 है। गणना करने के बाद यह देखा गया कि गलती से गणना करते समय मूलांक जो वैल्यू है एक जगह ऐसी वैल्यू होगी 23 को 32 लिखा गया, 23 जहां पे लिखना था वहां पे क्या लिख दिया गया, 32 लिख दिया गया, 23 तो लिखना था 23 की जगह पे कितना लिख दिया गया, 32 लिख दिया गया। तो बेटा यहां पे देखो 9 पूर्णांक है, अब जितना अंतर है यहां पे अंतर कितना आ रहा है, क्या कह रहा है, गणना करते समय मूलांक 23 को 32 लिखा गया, मतलब जहां पे 23 लिखना था 32 लिख दिया गया, तो अंतर कितना आ गया बेटा, 23 और 7 और 9 का अंतर आ गया, 9 का अंतर आ गया किस वजह से, जहां पे 23 लिखना था 23 की जगह पे 32 लिख दिया गया, तो क्या है 9 ज्यादा लिख दिया गया, कितना ज्यादा लिख दिया, 9 पूर्णांक है तो 9 का अंतर 9 ही आ रहा है, तो सबका एक एक कम हो जाएगा, एक एक अगर कम हो जाएगा तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं एक एक कम सबका हो रहा है तो औसत कितना हो जाएगा, औसत हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा 10 आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है इस टाइप के क्वेश्चन और इसी टाइप के क्वेश्चन जीडी में आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और सेकेंडों में विदाउट पेन कॉपी के आप कैसे सॉल्व करेंगे वो हमें आपको अपने कैरियर अड्डा कोचिंग से ही मिलेगा। तो अब यहां पे देखो 9 पूर्णांक है, 9 पूर्णांकों का औसत आपको 11 दिया है और यहां पे बोला 23 की जगह पे 32 लिख दिया गया, तो अंतर कितना हुआ, 9 ज्यादा लिख दिया गया ना, 9 ज्यादा लिख दिया गया, तो 9 का एक एक ज्यादा बढ़ गया है ना, 9 जो पूर्णांक थे उनका एक एक ज्यादा बढ़ गया, तो एक घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, आंसर 10 आ जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा आपके स्क्रीन पे, 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु, 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी, कितनी थी 18 वर्ष थी, एक बच्चे के जन्म के बाद भी परिवार की औसत आयु सिमिलर रहती है, उतनी ही रहती है, बच्चे की आयु कितनी होगी बेटा, उसने तो यहां पे तो उसने क्या बोल दिया, 2 वर्ष पहले तो अब 2 वर्ष बाद आज मतलब 2 वर्ष पहले कितनी है औसत थी 8 सदस्यों की, 18 थी, और आज दो साल बाद तो जैसी बात है 2 साल बाद उसी समय वो बच्चा पैदा हुआ होगा और आज कितना होगा, 2 साल का ही होगा, कितना होगा 2 साल का ही होगा, कैसे होगा वो हम बताते हैं। जो 8 सदस्यों का एक परिवार है और सभी की औसत आयु कितनी है, औसत आयु कितनी, 8 सदस्यों की औसत आयु कितनी है 18 वर्ष है, और अब क्या, अगर 18 का अगर 18 में गुणा करो और उसके बाद में कह रहा है कि 2 साल बाद में सभी की कितनी बढ़ जाएगी, दो दो साल बढ़ जाएगी, और यहां पे ये भी देख सकते हैं एक सदस्य क्या होगा, एक सदस्य यहां पे क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, और औसत भी अब क्या हो रहा है 9 × 18, अब यहां पे कितना हो रहा 9 × 18, तो अब यहां पे बेटा देखने वाली बात है, क्या देखना है कि यहां पे कितना बढ़ रहा है, 9 × 8 × 18 और यहां पे 9 × 18 कर दो तो कितना बढ़ रहा है, 18 साल बढ़ जाएगी ना, कितनी बढ़ जाएगी 18 साल बढ़ जाएगी, और 18 साल बढ़ जाएगी 8 × 16, 8 कितना पहले थे 8 सदस्य थे, अब 9 सदस्य हो गए तो सीधा कितना बढ़ जाए, कितना बढ़ जा रहा है, दो सभी की 2 साल क्या हो रहा 8 × 16 और बचा कितना 2 साल बचा, तो बच्चे की उम्र भी कितनी हो जाएगी 2 साल का हो जाएगा, वर्ष कितने का हो जाएगा 2 साल का हो जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं 18 × 9 और माइनस कर दो कितना 18 × 8
तो कितना यहां से कितना अंतर कितना आ जाएगा, 18 और इंटू कितना, 9 में से 18 कॉमन ले लो तो यहां पे कितना बचा, एक बचा, तो कितने कितने साल बढ़ गया वो 18 साल। और 8 सदस्य है, 8 सदस्य है, 8 दुनी 16, 2 साल में कितना 16, और तो 16 यहां पे घटा दोगे तो कितने वर्ष का होगा, 2 वर्ष का बच्चा होगा, कितने वर्ष का होगा, 2 वर्ष का बच्चा होगा। सीधा ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत हमें ज्ञात बताइए, प्रथम 10 संख्याओं का औसत हमें बताइए कितना होगा। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक से या खुद से कटे, वो हमारी क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं। बेटा अभाज्य संख्याएं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए, पहली अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहली अभाज्य संख्या क्या होगी बेटा, पहली अभाज्य संख्या फर्स्ट, कौन सी फर्स्ट अभाज्य संख्या, फर्स्ट अभाज्य नंबर, अभाज्य अभाज्य नंबर, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर क्या होता है, पहला अभाज्य नंबर होता है आपका 2 होता है, फिर उसके बाद में इसी तरह से आपका पहला अभाज्य नंबर और पहला सम अभाज्य नंबर भी हमारा क्या होता है, 2 होता है। पहला अभाज्य संख्या या पहला अभाज्य सम संख्या भी हमारी 2 होती है। तो पूछा कितना गया है, प्रथम 10 अभाज्य नंबर, तो अभाज्य नंबर हम जो देखते हैं 2, 3, 5, 7 और 11, 13 के बाद में 15, 16, 17, 19 और 23 कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23 के बाद में 2, 3, 3 के बाद में 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23 के बाद में 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 ये होते हैं पहले 10 अभाज्य संख्याएं। तो कितना हो जाएगा टोटल, कितना हो जाएगा, 3, 2, 5, 5, 10 और 17, 17, 18, 10, 28, 28 और 13, 28, 13, 41, 41 और ये कितना हो गया 60 हो गया 40 के बाद में 60 और 80, 83, 83 और 83 और 17, 100, 129 कितना हो रहा, 129 बटे कितना हो जाएगा, 129 बटे 10 आंसर क्या आ जाएगा, 12.9। क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए जितने नंबर होते हैं उतनी उतने से ही सभी संख्याओं का योग, एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं सभी सभी संख्याओं का संख्याओं का योग, योग बटे टोटल टोटल संख्याएं क्या होता है, टोटल संख्याएं ये होता है। तो यहां पर सभी संख्याओं का योग कितना, 129 है, टोटल संख्याएं कितनी, 1, 2, 3, 4 मतलब 10 तो दे ही रखी है, तो टोटल संख्याएं मतलब 129 बटे 10 कितना आ जाएगा आंसर, 12.9। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है ए बराबर बी का 2/3, बी बराबर सी का 4/5 है। तो यहां पे ए क्या कर, ए और यहां पे बराबर है, बराबर बराबर बी का 2/3 है। अगर बी को इस साइड लाएं, बी को अगर इस साइड लाएंगे
तो बटे में आ जाएगा ए बटे बी बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। यहां पे सी को अगर इस साइड लाएंगे तो बी बटे सी बराबर क्या आ जाएगा, 4/5। तो ए बटे बी बराबर क्या आ जाएगा, 2/3। और यहां से बी बटे सी बराबर क्या आ जाएगा, 4/5। ये आ गया आपका रेशियो, ए बटे बी और बी बटे सी दो रेशियो हमें मिल गए। अब हमें जब ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है तो कुछ नहीं करना बेटा, यहां पे ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेना है। क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेना है। इसके बाद ए के नीचे ए बल ए के नीचे ये नंबर लिखना, बी के नीचे ये नंबर लिखना, फिर यहां बी के नंबर ये सी के नीचे। तो ए बराबर कितना है, 2 है, और बी बराबर कितना है, 3 है, और यहां पे बी बराबर कितना, 4, और सी बराबर 5। ये रहा हमारा। अब क्या करना है इसमें, इसमें बेटा क्या करना है, देखो यहां पे बी और बी के सामने जो खाली जगह पड़ी है उसको बी से भर दो, यहां पे बी और यहां पे ये बी, इसके सामने इधर खाली जगह पड़ी तो इसको यहां से भर दो। अब इन इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे बेटा कितना, 4 × 2 = 8 हो गया, और 4 × 3 = 12 हो गया, 5 × 3 = 15 हो गया। तो हमारा रेशियो भी क्या आ जाएगा, 8 × 12 = 15। 8 × 12 = 15 कितना रेशियो आ जाएगा, 8 × 12 = 15। तो रेशियो कौन सा बन रहा है, फोर्थ वाला रेशियो, 8 × 12 = 15। कौन सा रेशियो बन रहा, 8 × 12 = 15। तो बेटा ये रहा हमारा 10वां क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है। क्या है फैक्ट्री में, क्या है, एक में से वो 9 में से एक महिला, एक महिला क्या करती है, एक महिला है। अगर टोटल अगर नंबर कितने हैं, 9 संख्याएं, संख्याएं अगर 9 है, कितनी है, 9 है, 9 में से क्या बोला है, एक महिला है। यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है, मतलब एक की वैल्यू कितनी है, 125, मतलब 9 टोटल 9 है, टोटल नंबर्स कितने हैं, 9, तो 9 में से एक है क्या महिला है, 8 क्या है पुरुष है, तो एक की वैल्यू कितनी है, और एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 125 दे रखी है। तो 9 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, 9 टोटल कुल संख्या, कुल संख्या, तो 9 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। कितनी आ जाएगी, 9 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 125 गुणे कितना, 9, कितना आ जाएगा, 9, तो कितना हो जाएगा, 945, और 9 × 2 = 18, 18 × 4 = 22, 18 × 4 = 22, और 9 × 2 = 11। तो उस जो कंपनी है, जो फैक्ट्री है, उसमें टोटल कामगार कितने हैं, 1125, कितने हैं बेटा, 1125। यही रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। यदि एक कमीज की लागत 20% की छूट देने के बाद 64 आती है, 20% की क्या करना है, 20% का अगर डिस्काउंट देता है तो देने के बाद में 64 आती है, कितनी आती है, 64 आती है, 20% का डिस्काउंट देने के बाद में उसकी वैल्यू कितनी आती है, 64 आती है। 20% का अगर डिस्काउंट देगा, अपने आप में अंकित मूल जो होगा, ये लागत मूल नहीं है बेटा, ये लागत मूल नहीं, यहाँ पे अंकित मूल होगा, यहाँ पे क्या होगा, अंकित मूल होगा, अंकित मूल पे डिस्काउंट देगा ना, अंकित मूल पे अगर 20% का डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा, 100, पहले अपने आप में अंकित मूल 100% होगा, उस पे 20% का अगर डिस्काउंट दे रहा है तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 की वैल्यू कितनी है, 64 है, 80 की वैल्यू 64 है। तो यहाँ पे 8 से अगर काटा तो यहाँ पे 10, और यहाँ पे कितना, कितना बचेगा बेटा, 8, तो 10% की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% बनाने के लिए यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, और बेटा आंसर सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, ये रहा आपका, आपकी स्क्रीन पे, 750 रुपए अंकित मूल का एक रेडियो सेट यदि 570 में बेचा जाता है
570 में बेचा जाता है तो दी गई छूट की दर क्या होगी? देखो क्या है, 750 रुपए का, 750 रुपए का 570 में बेच दिया जाता है बेटा, डिस्काउंट कितना हुआ, कितना हुआ बेटा डिस्काउंट? अब यहाँ पे कितना, दो, ये दो हो गया, जीरो हो गया और दो, 220 का क्या हो गया डिस्काउंट, कितना हो गया 220 का डिस्काउंट हो गया, और कितने में लिया गया वो अंकित मूल कितने, कितना है 750, तो कितना हो जाएगा 220 बटे कितना हो जाएगा 750 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कटा और यहाँ पे छूट कितना 15, एक मिनट सॉरी इसमें थोड़ा गलत हो गया, एक मिनट ये आपका कितना डिस्काउंट होगा 570, तो यहाँ से कितना 10 में 15 में से 7 गया 8, 8 और यहाँ पे 6 18, 180 का डिस्काउंट है, 180 का डिस्काउंट है किस पे, 750 पे 180 का डिस्काउंट, तो 180 बटे कितना हो जाएगा 750 इंटू 100, इस जीरो से जीरो कट गया, 25 चौकू 100 और 25 तिया 75, 3 छक 18 और 6 का अगर 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 24%, कितना आ जाएगा बेटा 24%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, एक ठोस गोले को गलाया जाता है, एक ठोस गोले को गलाया जाता है और लंब वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है, लंब वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है जिसके आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है, मतलब कह रहा है जिसके गोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या सेम है तो इस प्रकार बना शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, देखो लंब वो जो ठोस गोला होता है, ठोस गोले की जो आयतन होता है, आयतन क्या होता है 4/3 πr³, ये किसका है गोले का, ये आपका गोले का है और इस गोले से बेटा किसमें कन्वर्ट करता है, ये करता है 1/3 πr² h, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr, ये शंकु का है, ये शंकु का आयतन है। अब यहां पे देखो क्या कट रहा है, तीन से तीन कट रहा है और पाई से पाई कट रहा है और यहां पे बोला है रेडियस क्या है, शंकु और उसकी रेडियस क्या है इक्वल है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे आर बटे कितना है आर, यहाँ पे चार है, चार आर बराबर कितना है एच है, चार आर बराबर एच है, तो चार बराबर क्या आ जाएगा एच बटे आर, और बोल रहा है ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे तो एक लिख ही सकते हैं, तो ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात बेटा क्या आ जाएगा 4:1, कितना आ जाएगा 4:1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 4:1। चलते हैं नेक्स्ट।